गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जैसे कि आप सबको पता है कि दैट रिसेंटली आई बॉट दिस ईवी व्हिच आई एम लविंग इट एंड व्हिच इज सेविंग माय पेट्रोल कॉस्ट एंड द एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड एंड जैसे कि आप सबको पता है इन केस यू हैव मिस्ड दैट वीडियो यू कैन फाइंड द वीडियो इन द आई बटन राइट नाउ तो आप देख सकते हैं कि वो जो भी शोरूम से मैंने कार ली थी व्हाट डिफरेंट कलेक्शंस दे हैव यू कैन फाइंड इट इन द वीडियो एंड इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड जैसे कि आप सबको पता है कि आई डू नॉट ड्राइव स्टॉक कार्स आई सिंपली डू नॉट लाइक स्टॉक कार्स सो मैंने डिसाइड किया है कि द फर्स्ट मॉड्स दैट आई एम गोइंग टू डू इन द कार इज इंस्टॉलिंग एलॉयज सो वही एलॉयज इंस्टॉल करने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ जेसी रोड एंड माय डॉग इज वेरी वेरी एंग्री एट समवन एंड तो मैं जा रहा हूँ अभी जेसी रोड टू इंस्टॉल द एलॉयज एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड डील सो दे एक्चुअली उनके पास न्यू एलॉयज भी है पुराने एलॉयज भी है बट आई हैव ऑप्टेड फॉर द ओल्ड एलॉयज क्योंकि न्यू एलॉयज काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहा था सिंस आई हैव decided to go with the BBS alloys not exactly the original ones but the replica ones but even those are very expensive to chaliye dosto main aapko shop mein jaake abhi milta hu so guys I've reached the location and this is my car and jaise ki aap dekh sakte hain ki isme wheel caps lage hue hain and jahan pe aaj hum install karane wale hain यहाँ पे हम आ गए हैं एंड द ओनर इज विद अस हाय हाय हाउ यू गुड आई एम गुड हाउ यू आई एम गुड आपका नाम बताइए सैयद अनस सैयद तो सैयद भाई कब से आप आपका मतलब एग्जैक्ट आप क्या करते हैं हम डील करते हैं अलॉयज टायर्स ओके और एक्सेसरीज भी करते हैं जैसा सीट कवर्स है अलॉयल्स है ओके सब पूरा अरेंज में ऑल वैरायटी ऑफ अलॉयज है अच्छा क्या रेंज बताएंगे स्टार्टिंग आपको पड़ेगा पुराना वाला पड़ेगा 10,000 टू 14,000 के अंदर मिलेगा अच्छा नया वाला आपको मिलेगा स्टार्टिंग आगे 18,000 से शुरुआत अच्छा मतलब आप फर्स्ट भी रखते हैं सेकंड भी रखता हूँ टायर का बताइए टायर में क्या मिलता है टायर में आपको इंडियन मिलता है जापानीज मिलता है चाइनीज मिलता है ऑल ब्रांड है योकोहामा एड्रेस है फर्स्ट मिलता है टायर में भी सेकंड मिलता है टायर में फर्स्ट भी मिलता है सेकंड भी मिलता है दोनों भी मिलता है अच्छा तो अभी आप बता दीजिए एलएस अभी जो जो रखे हुए इसका साइज और प्राइस ये आके 160 PCD 16 इंच वाला है okay. ये आपको आ जाएगा बलर है आपको थार है okay. पूरा कार के लिए आ जाएगा okay. वो आके BBS वाला है ये 30 कार्स को फिट करते हैं 8 जे का व्हील है अच्छा। ये आपको मिल जाएगा आपको 28,000 स्टार्टिंग प्राइस है अच्छा नया वाला ये आके 17 इंच वाला है क्रूज के लिए अकॉर्ड के लिए सिविक के लिए मिल जाएगा पुराना वाला है अच्छा। ये आके स्टार्टिंग प्राइस 20,000 है अच्छा ये वाला न्यू वाला है 8 जे वाला अलग व्हील्स है ये वाला मिल जाएगा आपको 8 जे वाला मिल जाएगा 24,000 में मिलेगा अच्छा ऊपर भी कुछ कुछ रखे हुए हैं हाँ ये वाला पूरा इसका है BRQ सीरीज करके वो चाइनीज ब्रांड है अच्छा। ये पूरा इसका है पूरा चाइनीज ब्रांड पूरा ऑल टुगेदर पूरा ब्रांड और इसका फिटिंग विटिंग अलाइनमेंट भी सब लोग आप ही करते हैं हाँ फिटिंग करते हैं अलाइनमेंट दूसरी जगह है मतलब आसपास ही है वो आसपास ही है तो आप बताइए आप मुझे कौन सा देने वाले हैं मैं आपको दे रहा हूँ 14 इंच वाला मल्टी PCD वाला 114 PCD वाला मैगजीन दे रहा हूँ अच्छा ये दे रहे हाँ ये चार वाला मैगजीन है तो बहुत ही बढ़िया ये शायद रिफर्बिश भी किया हाँ रिफर्बिश्ड हो गया रिफर्बिश्ड हो गया इसका कंडीशन तो ऑलमोस्ट नया ही लग रहा है ब्रांड न्यू कंडीशन का है नो डिंट्स नो बेंड नथिंग एनी प्रॉब्लम विल मेक एंड गिव यू रिटर्न एंड सैयद भाई आल्सो इज गिविंग मी इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस थैंक यू थैंक यू सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें 14 इंच के स्टील रिम्स विद व्हील कैप लगे हुए हैं जिसमें हम इसको फिट करने वाले हैं एंड इसका थोड़ा बहुत लुक तो थोड़ा सा तो BBS के साथ BBS है खाली वो स्टिकर डालना पड़ेगा BBS का स्टिकर डालना पड़ेगा जो राउंड वाला जो इसमें हाँ हाँ ये वाला वोसन वाला है अच्छा BBS वाला डाल के देता हूँ अच्छा BBS वाला डाल के देखिए आप BBS वाला स्टिकर मिल जाएगा आपको जिस सूरत में मेरे पास नहीं है अच्छा तो अभी फिलहाल आप यही कैप हाँ हाँ ये कैप चलिए ये इसका फिटिंग कर लेते हैं ओके जस्ट गो बैक 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 कि
कि आप देख सकते हैं कि एलॉयज की फिटिंग हमने कर ली है यहाँ पे, एंड द लुक ऑफ द कार हैज चेंज्ड, लुक्स नाइस, नॉट वेरी ब्रॉड, इट्स सपोज टू बी 6.5, नॉट वेरी ब्रॉड बट गुड इनफ बिकॉज आई डिड नॉट वांट द टायर्स टू कम आउट ऑफ द कार. सो दीज आर द स्टॉक रिम्स जिसको हम अभी बूट में रखने वाले हैं, एंड दैट इज द व्हील कैप विच विल गो इनसाइड दिस स्टील रिम्स, एंड दिस विल गो इनसाइड दिस. सो दिस इज माय एंटायर कलेक्शन, जो भी मैं बिजनेस, जैसे आप सबको पता है कि आई हैव अ सेरेमिक कोटिंग बिजनेस, सो दीज आर ऑल द आइटम्स दैट आर रिक्वायर्ड. सो प्लीज नॉट जज द कार, आई मीन ये बूट देख के, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी डर्टी राइट नाउ, एंड दिस इज आवर काजल भाई. सो द स्टील रिम गोज इनसाइड नाउ. So friends, this place does not have a alignment and balancing. So uske liye we are going to a different shop right now. So chaliye wahan milte hain. So guys, we have reached Vijay Alignment Center and car ki sab tire khul gayi hai, and that is the tire that is going, and they've lifted the car completely. Wo tire abhi bhi baki hai. This has been opened. Wo baki. So right now they are doing the balancing. After doing the balancing, they will do the alignment of the car. Years later. Guys, car की alignment balancing complete हो गई है, and जैसे कि मैंने बताया कि I'm in Vijay Alignment Center. So Saif भाई, car कैसी लग रही है? बहुत बेहतरीन लग रही है, बहुत अच्छा fantastic look. Fantastic look. Look आप ही ने दिया है, so thank you. Price से भी मैं बहुत खुश हूँ, and I hope कि मेरे channel से भी आपको लोग आए, फोन आए. आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वहाँ से कॉल आ सकता है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा. और जो भी मेरे चैनल से आएगा, थोड़ा उनको भी थोड़ा सा कम तो सब्सक्राइब करके बेस्ट क्लास में आपको देना. सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, एंड नॉट मेनी पीपल वुड पुट आफ्टर मार्केट एलॉयज इन ईवी कार्स. नॉर्मली लोग एक्चुअली ईवी कार्स को मॉडिफाई नहीं करते, जैसा आता है वैसे ही. लेकिन मैं तो स्टॉक वाला नहीं हूँ, तो स्टॉक हमसे नहीं चलाया जाता. सो दिस इज द रीजन आई पुट दिस एलॉयज, एंड गाइज आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड लाइक एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोकना. एंड ही इज द ओनर ऑफ द विजय अलाइनमेंट सेंटर. तो आप सर कब से इस बिजनेस में, कब से आप? 50 साल से. आप है कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ. बापू के शहर से आप? बापू. तो आपका ये कैसा बैंगलोर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है. तो आपको कन्नड़ा भी आता है क्या? आता है. हमें तो कुछ नहीं आता अभी तक, 12 साल हो गए. So guys, I hope you have liked this video, and if you like this video, please do consider subscribing to my channel, and comment जरूर करना how is my car looking. इससे मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है, and मुझे भी समझ में आता है कि आप लोग मेरे videos को देख रहे हो. So this is it for now. Lot of videos will follow up regarding this electric vehicle only, and I will see you on the next video, guys. See you. Bye bye.